बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने प्रीवियस वीडियो को जितना प्यार दिया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया कमेंट्स में, लाइक्स में और आपने वीडियो को शेयर किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और नाज़रीन, मेरे साथ आज एक बार फिर मोहसिन भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी इमरान भी, शुक्र लगा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह पाक का करम। मोहसिन भाई, हमारी प्रीवियस वीडियो पे लोगों ने बहुत अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार किया, उसके बारे में आप ऑडियंस का थैंक्स कहना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो आपका थैंक्स कहना चाहूँगा कि जी आपने फिर से टाइम निकाला और आप आए, और लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों ने इतना सराहा और इतनी वीडियो को प्रमोट भी किया और अपने जो सवालात हैं वो भी पूछे हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको साथ साथ बता दें। मैं उसमें सवालात के ऊपर आऊँगा, पहले ये बताइए कि माशाल्लाह रमज़ान शरीफ अपने आबोताब में है, तो बताएं रमज़ान शरीफ कैसा चल रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे बताइएगा कि आप भी माशाल्लाह फॉलो अप लेते रहे, तो आपसे लोगों ने रब्ता किया और क्या सवाल जवाब आपके फोन कॉल वगैरह पे हुए हैं? सबसे पहले तो आपकी वीडियो जिस तरह आपने बनाई और एक एक चीज को बहुत नहायत बहुत अच्छे तरीके से आपने लोगों को दिखाया, लोगों ने मुझे जो मेरे देखने वाले थे उन्होंने मुझे बहुत कहा कि यार जो वीडियो बनाने वाले हैं भाई इन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, इनके जो व्लॉग्स हैं और बाकी चीजें हैं हमने सारी चीजें देखी, ये एक एक चीज को बहुत नुमाया करके पेश करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। अच्छा पहले तो आपके जो सवाल थे ऑडियंस के उस वो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लोगों ने कमेंट किया कि आप बताएं कि सफाई सुथराई के लिए कितना ख्याल रखना चाहिए हमें? सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए, मौसम के लिहाज से होता है, जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो ज्यादा बर्ड्स को हम छेड़ते नहीं है क्योंकि बर्ड्स अपने बच्चों को पाल रहा होता है, एक्स पे बैठा होता है, तो अगर हम दोबारा उसको छेड़ेंगे तो वो एक्स से भी उठ सकता है, और बर्ड्स अगर बुरा मना ले, बर्ड बुरा मना लेते हैं, अगर बुरा मना ले तो वो अपने बच्चों को भी मार देता है। बिल्कुल, यानी कि ये तो बड़ी टेक्निकल पॉइंट आपने ये भी लोगों तक पहुंचाया, तो ये तो पहला सवाल हो गया। जो उम्मीद है जिसने ये सवाल किया भाई ने, गालिबन मैं उसका नाम मेंशन कर दूंगा, तो उनको जवाब मिल गया होगा। और दूसरा, लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो लव बर्ड का बिजनेस है आजकल बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है या बहुत कम हो गई, इसके ऊपर क्या आप कर रहे हैं? देखें हर चीज में ऊंच नीच तो लगी रहती है, उसका मतलब ये नहीं है कि चीज खत्म हो जाती है, वक्त लगता है दोबारा। आप मुल्की हालात पहले देख लें, मुल्की हालात ऐसे चल रहे हैं तो हर चीज डाउन हो रही है, लेकिन आप अगर लव बर्ड को कहेंगे तो देखें जो चीज आपने 5000 की ली है उसके बाद वो 4 बच्चे देती है, वो बच्चे 7000 रुपए के बिकते हैं, तो 2000 रुपए का तो फिर भी आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर आप 7 के नहीं भी बेचते, 5 के बेच देते हैं, तो फिर भी आप देख लें आपको आपके जो पैर आपने जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो तो आपकी पूरी हो गई है, तो फिर किस चीज का नुकसान है लव बर्ड में? दाना आप खरीदते हैं तो इन्हीं को ही बेच के हम दाना खरीदते हैं, इन्हीं के चिक्स आते हैं उन्हीं को ही हम सेल दाना बाय कर लेते हैं, और लोग ये कहते हैं कि लव बर्ड पे आ गया है जवाल। लव बर्ड पे जवाल कैसे आ सकता है? लव बर्ड पे जवाल ऐसे आएगा कि लव बर्ड या तो ना हिस्ट्री से खत्म हो गया हो, हिस्ट्री ना रही हो तो कहें जी लव बर्ड खत्म हो गया। बर्ड जब आप होते हैं और बर्ड ब्रीड कर रहे हैं
ब्रीड कर रहे हैं तो सेल होगी उसकी, सेल होगी तो प्रॉफिट होगा, बेशक थोड़ा होगा, प्रॉफिट रेशियो कम हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गया काम। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि बिजनेस के ऊपर उतार चढ़ाव रहता है, जैसे मुल्की हालात की बात की या आपने और क्राइसिस की अगर देखा जाए, जिसकी वजह से उनकी परचेज पावर कम हो सकती है, लेकिन बिकना या उनका पैदावार में कमी नहीं आ सकती। बिल्कुल पैदावार में तो कमी नहीं ना आती। देखे इंसान, बात यह है कि 24 करोड़ आवाम है तो दिन ब दिन बढ़ती है, ये तो रब का निजाम है, किसी ने आना किसी ने जाना है, तो इसी तरह ये भी है, इनकी भी एक उम्र होती है, लेकिन ब्रीड ज्यादा होती है। अगर एक मरता है, एक फीमेल अगर 8 अंडे देती है, 5 बच्चे निकालती है, तो पैदावार बढ़ रही है ना, बिल्कुल ऐसी है। तो आप मुझे बताएं कि आपने इस सेशन में कोई नुकसान देखा या अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन एक बिजनेस कर रहे हैं आपके इन दिनों में आपने कोई फील किया? नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा है, बल्कि आपकी वीडियो के बाद तो बहुत से लोगों ने मुझसे राबता किया है और मैंने बड़े सेल किए हैं, बीच में भी सेल किए हैं, बल्कि जिस दिन आप आए उसे नेक्स्ट शूट तकरीबन वीडियो अपलोड होने के बाद, अगले दिन मैंने बर्ड सेल किए रेगुलर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर भी हैं, आपके चैनल को देख के भी बहुत से लोग आए, उन्होंने भी रابطہ किया, उनको भी दिए हमने बर्ड। चले मोहसिन भाई, ये तो लोगों के सवाल थे, अगर मजीद लोगों के सवाल है तो मुझे फिर एक बार फिर आना पड़ेगा। जी आप क्या कह रहे हैं? आपका एक और सवाल, वो मैंने भी भाई का पढ़ा था कि बॉक्स बहुत ज्यादा गंदे हैं, वो शायद हम भूल गए हैं, वो भी सवाल था। तो बॉक्स जब बर्ड ब्रीड करता है उसमें जो बच्चे होते हैं वो जो उनकी जो जिसको कहते हैं हम के वेस्ट होता है, उनका जो वेस्ट होता है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सर्दी में वेस्ट वो जो है हीट देता है। ये लोग जिसको अगर वो भाई ने उन्होंने नहीं रखे हुए तो जब वो बर्ड्स रखेंगे या हमसे पूछेंगे या किसी से भी या इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो जो वेस्ट होता है वो जो चिक्स होते हैं उस वेस्ट की हीट होती है, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में ब्रीड आती है तो वो वेस्ट काम आता है, इनके काम आता है, इनको हीट देने के काम आता है। ठीक है नाज़रीन, आपके जो चीदा सवाल थे वो हमने ले लिए। आज की वीडियो बनाने का मकसद वो इंशाल्लाह मोहसिन भाई आपको सेकंड लास्ट पार्ट में बताएंगे, और आज जिन परिंदों पर डिस्कस कर रहे हैं वो मोहसिन भाई बताएंगे। जी मोहसिन भाई, ये कौन से परिंदे हैं आज बताएं? इसमें जी पार्ट ब्लू स्प्लिट इनो है, पार्ट ब्लू पेस्टल इनो है, अल्बाइनो रेड आइज है, ब्लू फिशरीज है और अल्बाइनो स्प्लिट है ब्लैक आइज। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस टाइम सबसे अच्छी पावरफुल कंडीशन और सेलिंग पॉइंट में कौन सा परिंदा है? देखें, वो लोग कहते हैं अख लाल रहती है, तो लाल आंख की डिमांड बहुत ज्यादा है। लाल आंख अल्बाइनो रेड आइज हो गया, उसमें कर्मिनो हो गया, डेकिनो कर्मिनो हो गया, या पेल फैलो ले लें, या जो भी लाल आंख वाला परिंदा है, लाल आंख पे इंसान की नजर रुकती है और कोशिश करता है वो ले ले, लेकिन इसको बचाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बाकी बार जो ब्लैक आइज है वो तो आराम से पड़ जाते हैं, इनकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत वीक है, इनको इनका बड़ा ख्याल करना पड़ता है, और जब ये पैदा हो जाते हैं, अंडे से निकल आते हैं, तो उनको 2-4 चीजें ऐसी लगानी पड़ती हैं, और अगर वो नहीं लगाते तो बहुत से लोग नुकसान भी कर लेते हैं और मर जाते हैं बर्ड। तो मुझे पार ब्लू के बारे में बताइएगा कि अभी इसकी क्या कंडीशन चल रही है, सेलिंग पॉइंट कैसा है और इनकी बर्थ पोजिशन कैसे चल रही है? देखिये, पार ब्लू एक ऐसी चीज है, इसके पहले तो पेरेंट्स देखे जाते हैं। अब जो मैंने बर्ड रखा है, इस बर्ड के जो पेरेंट है वो मैं पेरेंट्स भी आपको दिखाता हूँ। रेड आइज मेल है और पार ब्लू स्प्लिट इनो की फीमेल है, इनमें विजुअल बच्चे भी आए हैं और ये पार ब्लू भी बच्चा आया है। इसकी वर्किंग ये है, अगर हम इसको ये इसकी जो मार्केट अभी वैल्यू है वो 7,000 रुपए है, ठीक है, 7,000 रुपए में ये लोग 7 से 8,000 रुपए में हम सेल करते हैं इसको, आगे मार्केट 10,000 भी है, वो देखें वो हर इंसान का अपना रेट होता है, हम 8,000 रुपए में ये सेल करते हैं। ये जब रेड आइज के साथ लगाते हैं, अगर ये बर्ड ब्लड लाइन में रेड लाइन इसकी मौजूद है ब्लड लाइन, तो इसकी जो वर्किंग है तो ये 7,000 रुपए का, इसके साथ हमने जब रेड आई लगाया वो 12,000 रुपए का है। लेकिन जब वो बच्चा देता है एक कर्मिनो, इनकी वर्किंग से आता है कर्मिनो, डेकिनो, अल्बाइनो रेड आइज भी आता है और ब्लैक आइज भी आते हैं। अब कर्मिनो की जो मार्केट वैल्यू है अभी 18 से 20 हजार है, डेकिनो 15 से 17 हजार है, अल्बाइनो रेड आइज 12 हजार रुपए है, ब्लैक आइज 5 हजार रुपए है, तो आप खुद देख लें, ये है तो 7,000 रुपए। ये आप यानी कि नॉर्मल प्राइसेस बता रहे हैं? बिल्कुल नॉर्मल प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है तो इतने का, लेकिन जो इसकी वर्किंग है वो इतनी ज्यादा है कि वो आपको डबल मुनाफा देती है, डबल प्रॉफिट देती है उसका। अच्छा, तो डबल मुनाफा तो उस वक्त मिलेगी जब इनकी देखभाल अच्छी और प्रॉपर हो। बिल्कुल, देखभाल अच्छी होगी, इनको वक्त के साथ साथ जो इनकी जरूरियात है, आप भी मुझे उम्मीद है कि जो आपके जो देखने वाले व्यूज है वो आपसे बार बार सवाल करेंगे, और आपको भी आना पड़ेगा, और मुझे भी अच्छा लगा आप भाई मेरे पास दोबारा आए हैं, मुझे भी अपनी जो मेरे पास जो चीजें हैं मैं लोगों को दिखाऊं आपके चैनल से, जिस तरह लोगों ने मुझसे रब्ता किया है,
मेरी सेल बढ़ी है तो मैं तो बहुत ख्वाहिशमंद हूँ कि आप दोबारा भी मेरे पास आए। तो मोहसिन भाई, चूंकि रमजान के दिन है, प्रीवियस वीडियो में जो प्यार मोहब्बत मिला, तो मैं चाह रहा था कि आप, मैं बताऊं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप खुद बताएं कि हमारे नाज़रीन के लिए क्या पैकेज आप दे रहे हैं। सर, मैं आपके नाज़रीन के लिए ये पैकेज देता हूं जो बहुत अच्छा आपको फीडबैक देता है और आपकी आईडी पे आके सब्सक्राइब भी अच्छे देता है और आपको कमेंट अच्छे करता है और ज्यादा तादाद में करता है, जिसके सवाल बहुत अच्छे होंगे, हम उनकी कुरानदाजी रखेंगे और एक इनमें से कोई भी अच्छा सा बर्ड जो वो चूज करें हम उसको वो इंशाल्लाह तोहफा दे देंगे। एक बर्ड या जोड़ा जिसको कहते हैं सर, पेड़ ले लें आप। चलें नाज़रीन, आपने सुना मोहसिन भाई ने कहा कि रमजान मुबारक का बड़ा पाक और मोतबर महीना है और इस महीने के लिए हमारे जो नाज़रीन है, देखने वाले हैं, उनको उनके लिए एक गिफ्टेड फ्री तोहफा, चाहे वो उसकी मालियत, चाहे मालिक जो भी हो, जो गिफ्ट हमने ये सामने रख दी है, जो पेड़ पसंद करना चाहे, इसमें दो पेड़ पड़े हुए, बाकियों का हमने डीएनए नहीं करवाया, एक पेड़ का डीएनए हुआ है, डीएनए लेना चाहे उनकी मर्जी, अगर वो जो बर्ड लेंगे डीएनए करवा के लेना चाहे वो भी करवा के देंगे। ये आपके चैनल के तवसुल से है और ये फर्स्ट टाइम ही हम आपके तो आपकी तवसुल से डील दे रहे हैं। माशाल्लाह जी, ये पहली दफा ही आपके प्यार और मोहब्बत को देखते हुए और आपके रुझान को देखते हुए मोहसिन भाई ने बड़ी अपने बड़े दिल का मुजाहरा किया और कहा कि मोहब्बत करने वालों के लिए रमजान का महीना ही बड़ा बरकत वाला है। आपकी शान और शौकत में कमी नहीं आएगी, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने आपको बढ़ाना है क्योंकि आप नाज़रीन का सोच रहे हैं। भी मैं एक और बात कहूंगा कि ये शौक है, ये ऐसा शौक है, ये बढ़ता है। देखिए, मेरे पास अल्लाह पाक मुझे ब्रीड दे रहा है, क्या पता किसी के घर के जाके इससे चूल्हा स्टार्ट हो जाए। देखिये, बात ये है कि आजकल के मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं है, अगर ये बर्ड जाके ब्रीड करते हैं, जिस तरह मैं बात करता हूँ, मेरे पास मैंने एक बर्ड इतने का लिया, उसने ब्रीड की, इतने प्रॉफिट हुआ, मैंने कुछ छोड़ लिया, इसी तरह जिस बंदे को गिफ्ट जाएगा, अगर वो यही माइंड रखता है कि इनका ख्याल भी अच्छा रखना है। और एक और बात, हम उस बंदे से फीडबैक लेते रहेंगे, बर्ड देखिए, हम बर्ड को दिलो जान से प्यार करते हैं, इतना ख्याल करते हैं, तो हमारा काम है जिस बंदे को हम ये बर्ड सेल करें या जिसको हम गिफ्ट करें, मैं जिसको सेल करता हूँ मैं उससे पूछता हूँ, भाई बर्ड ठीक है, बर्ड को ऐसे ख्याल करना है, इनको ये चीजें देनी है, मेरे पास ये चीज खाते हैं, आप इनको ये दें, तो उस बंदे ने भी उस चीज का ख्याल करना है, उस बंदे ने भी उस चीज का ख्याल करना है। मोहसिन भाई आपको खाली तोहफा दे नहीं रहे बल्कि तोहफे के साथ आपको अपनी जनरल नॉलेज दे रहे हैं और जनरल नॉलेज के साथ ये भी दुआ कर रहे हैं कि अगर आप इसको शौक के तौर पर रखें तब भी जिंदगी हो, अगर आप इसके साथ बिजनेस करना चाहें तब भी आप उनके साथ उनसे फीडबैक देख सकते हैं। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल के मोहसिन भाई, आप तक पहुंचे कैसे? हम मेरे तक पहुंचे आपके, आपको मैंने बता दिया कि कमेंट्स करें, कमेंट्स में नंबर भी भेज सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है, नंबर कमेंट्स में जो नंबर भेजेंगे हम कुरानदाजी कर लेंगे उनकी, जो फर्स्ट नंबर पे आ गए, कुरानदाजी आपके सामने वीडियो पे ही होगी, वीडियो पे कोई झूठ तो हो नहीं सकता, वो जब सब कुछ सामने होगा तो बेशक वो आगे, फिर बेशक अगर वो बंदे ये कह देते हैं कि हाँ जी हमने ये बंदे सिलेक्ट कर लिए, तो वो बंदे भी आ सकते हैं हमारे पास, हम उनके सामने कुरानदाजी कर लेंगे, बंदे भी आ सकते हैं। और इसके साथ मोहसिन भाई तोहफा ही जाएगा या प्राइस लेस भी करेंगे रमजान की वजह से? सर वो तो देखें, आपके चैनल के तवसुल से पहले भी जो शख्स आया है उसको मैंने, आपको अगर फीडबैक उसने दिया या नहीं दिया उसका मुझे इल्म नहीं है, मैंने तो उसको वो चीज जो मार्केट में 14,000 रुपए की थी मैंने 10,000 रुपए में दी है, बड़ी बात, तो 4,000 रुपए का डिस्काउंट वो आपके चैनल की तवसुल से चला गया उसको। जी नाजरीन, जो ये गिफ्ट मोहसिन भाई ने जो लगाए हुए हैं इनकी नस्ल आपको बता दी है, इसमें से अगर आपको कोई गिफ्ट चाहिए होगा उसका तरीका कार ये है कि आपने वीडियो में कम से कम 12 से 15 कमेंट इकट्ठे करने हैं, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कोई और बेहतर कोई कमेंट में हमें कोई बंदा अच्छा तरीका बता देता है कि ये तरीका अपना ले तो हम वो तरीका अपना लें। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा बात की आपने नाजरीन, सारी ख्वाहिशात मोहसिन भाई ने इसीलिए कर दी कि आपके घर का भी चूल्हा चल सके। और मोहसिन भाई से रब्ता करने के लिए मोहसिन भाई बताएंगे उनकी आईडीज के नाम, उनके नंबर, मोहसिन भाई की जुबानी सुने। जी बस भाई, मोहसिन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी सब्सक्राइब कर दें, और टिकटॉक पे मेरा अकाउंट है, वहां पे भी वीडियोस लगती है, मेरी फेसबुक आईडी है मोहसिन लक्ष्मणी के नाम से, उस पर भी है लगती है, व्हाट्सएप पे मेरा जो ग्रुप है एमएस बर्ड एवरी के नाम से है, उस ग्रुप में ऐड अगर किसी ने होना है तो मैं आपको नंबर बताता हूँ, उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेंगे तो मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, 0334550961। ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप इस पर रब्ता भी कर लेंगे तो आपको बर्ड से मुतालिक जो डिटेल होगी वो मिल जाएगी। जो डिटेल होगी नाज़रीन वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी हमने लगाया हुआ था प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में मजीद हम तफसीलन मोहसिन भाई की जितने भी लिंक है वो इस वीडियो में लगा देंगे। नाज़रीन, अगर आपने भी जल्द अज जल्द इस गिफ्ट को हासिल करना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें शर्माने वाली और घबराने वाली बात नहीं है, और ना ये कोई ऐसा हम काम करें कि किसी को मिलेगा नहीं, सिर्फ व्यूज के झगड़ों में ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह जो मोहसिन भाई ने कहा वो काम होगा।
डेट भी बता दें नाज़रीन को कि 27 तारीख को इंशाल्लाह जी माशाल्लाह स्पेशल रमजान को 27वें रमजान तक हम इस वीडियो के रिस्पांस के हिसाब से देखेंगे कि जिसके नसीब में ये परिंदों का जोड़ा हुआ या एक परिंदा हुआ तो हम उस तक खुद रब्ता करके उस तक ये गिफ्ट पहुंचाएंगे। मोहसिन भाई आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। कोई मैसेज जाते हुए? सर मैसेज मेरा यही है, खुशियां बांटते रहें, खुशियां बांटेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी जिंदगी में खुशियां आएंगी। और लव बर्ड के साथ प्यार करें, ये आपके साथ प्यार करेगा। लव बर्ड के साथ प्यार करें तो ये आपके साथ प्यार करेगा। नाज़रीन उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमें 100% उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।